धर्म सत्कार गुस्सा संग जियो सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो नाल अपनी असीस बख्शो तां जो कीर्तन द्वारा आप जी दी सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जियो जदों दा दीवान शुरू है आप जी जकारे भी बुला रहे और फतेह भी, और जब तक दीवान चलना है जब तक दीवान चलेगा फतेह भी बुलानी पैनी है और जकारा भी। इस करके आओ गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगतां धन हन, सतगुर ते जिन्हां दी महिमा अगाध बोध है, पर गुरु दियां संगतां भी धन हन। बहुत सारे प्रेमी देखे ने जिउंदे सी आए हाँ कि चौंकड़े मार के बैठे हैं, और इतनी श्रद्धा प्यार दे नाल बैठे हैं। बहना बड़ा औखा होंदा साध संगत, पर एक गल आपां जरूर अपने मन विच याद रखनी, इत्थे उही बह सकदा जिहड़ा गुरु नानक नूं प्यारा लगदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरु नानक दा ही रूप हन, जो महापुरशां दा एक कथन है, गुरबाणी दा एक एक अखर गुरु नानक दा रूप है। जिन्हां ने जाणिया बाणी दे एक एक अखर नूं गुरु नानक दा रूप, उन्हां एक एक अखर विच गुरु नानक नूं महसूस कीता, गुरु नानक नूं देखिया। सत्संग जीओ जितने माई पाई आप जी सजे हो, पता नहीं कितना कु गुरु नानक मेहरबान है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप विच। अगर मेहरबान ना होंदा ते आप इस तरह इत्थे क्यों समाधियां ला के ना बैठदे? कल दे बैठे हो, अमृत वेला हो चुका है। रहन सवाई सारियां संगतां नूं मुबारक होवे। आओ कुछ समा कीर्तन द्वारा आप जी दे दर्शन करने हन। आओ सारे रल के शब्द सरवण करिए। इक्यों सतनाम करता पुरख सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आनंद गुणी निधान गुरु राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम जीता रे बस
रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, भूले मारे जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया, भूले मारे जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया, सिमर मना राम नाम जीतारे, सिमर मना राम नाम जीतारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया, भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुकत गुर कीना, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुकत गुर कीना, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया, भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया। दुख सुख करित जन्म पुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, दुख सुख करित जन्म पुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया, भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वट पागी पाया, सिमर मना राम नाम जीतारे, सिमर मना राम नाम जीतारे, अग्नि सागर
संसार नानक बाहा पकड़ सतगुर निस्तारा अग्न सागर बूढ़त संसार नानक बाहा पकड़ सतगुर निस्तारा बस राम नाम जीतारे सिमर मना राम नाम जीतारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे भोले मारिक जिने गुस्सा सिंह क्योंकि समागम ही पलो पलो रे कीर्तनिया है इस करके सारिया संगतान बेनती है एक वरी इन्हों पंक्तियों दासां दे नाल भी गाओ बिना तबले दे गावांगे ताकि आप जी सारे नाल रसना पवित्र करो एक पासे सेवक एक पासे सारी संगत कृपा करनी सिमर मना राम नाम चीतारे जपो जी सिमर सासंगत गा सारे रहे हो पर आप दी आवाज इन्नी आनी चाहिदी है कि जिहड़ियां संगतां घर बैठियां सुनदियां पईयां ने लाइव प्रोग्राम उन्हां तक संगतां दी आवाज भी पहुंचे कि वाकई गुरु नानक दियां संगतां इस वेले भी सावधान हो के सतगुर दी बाणी सरवण कर रही हैं सिमर मना राम नाम चीतारे 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 बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे पूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वड पागे पाया जपो पूरे मार्ग जिने बताया वाजी वा। ऐसा गुर वड पागे पाया सिमर मना राम नाम चीतारे सिमर मना राम नाम चीतारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे भोले मारिक जिने ऐसा गुर बड़ पागे पाया भोले मार्ग जिने बताया
ऐसा गुर वट पागी पाया। सिमर मना राम नाम जी तारे, सिमर मना राम नाम जी तारे, सिमर मना राम नाम जी तारे। सतसंग जीओ, सरदार गुरचरण सिंह रक्कड़ जिन्हों ने इत्थे फस्ट आना या सैकंड थर्ड उन्होंने इनाम दे रहे ने, यह गुरबाणी नाल जोड़न का उपराला जो भाई दविंदर सिंह सोडियर ने बड़ा सुचजा MH1 नाल मिल के ये उपराला किया। और रक्कड़ साहब ने अमेरिका गए हुए बच्चों की सेवा भी करनी है, इस करके असी चाहवांगे कि वह साढ़े नाल बैठन स्टेज ते। नाल ही भाई पिंदरपाल सिंह जी कथा द्वारा तो आप निहाल करते हैं, अज साढ़े नाल शब्द भी पढ़न। आखो सतनाम सी। मैं क्या कथा विच ते भाई पिंदरपाल सिंह जी कहते हैं सत्संग जपो रचना पवित्र करो, अज साढ़े नाल कीर्तन भी कर, क्योंकि कथा कीर्तन का मेल सुमेल है, कथा कीर्तन सुखदाई। तो शब्द दियाँ पंक्तियाँ बड़िया सुखैन भी ने और प्यारिया, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गुरुकुल मंगण आते हाँ, कोई कुछ मंगता कोई कुछ मंगता, कोई पागा वाला गुरु की दात मंगता है, नाम की दात, अमृत की दात। एक बेनती करके शब्द शुरू करांगे, क्योंकि सारा समागम में कीर्तन प्रथाएं चलिया। जिस वेले धन गुरु नानक साहब चले सन दुनिया तारन, ते अपनी वड्डी भैन बेबे नानकी नू एक गल कही सी, बेबे ये मरदाना रबाब भली वजाएंदा, मरदाना रबाब बड़ी सोहनी वजांदा है, ते बेबे मैं चलिया दुनिया नू तारन वास्ते, भाव उस वाहिगुरु नाल जोड़न वास्ते, ते जोड़ना कीर्तन दे नाल, कीर्तन दे सदका। इस करके बेबे मैं चाहना जेड़ी रबाब मरदाना वजावे उहदे पैसे तू दे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बेबे नानकी धन गुरु नानक साहब की वड्डी भैन, जिन्ना भाई मरदाने की रबाब वास्ते पैसे दिते, ते बाबे नानक ने एक बचन किया सी, बेबे जिस वेले मरदाना रबाब की तरब छेड़ेगा, बेबे जिथे मैं वाहेगुरु नू याद करांगा तेनू भी याद करिया करांगा। ते बेबे नानकी ने कहा सी सच, ऐ वीर तू है छोटा मेरे तो, पर है अरशां दा मालिक। कि सच जिस वेले भाई मरदाना रबाब छेड़ेगा, जिथे तू वाहेगुरु दा कीर्तन करेगा उत्थे मैनू भी याद करिया करेगा। ते धन गुरु नानक साहब ने कहा सी हाँ बेबे मैं तेनू भी याद करिया करांगा। ते बेबे नानकी ने कहा सी वीर जे मैं याद करा फिर, ते सतगुरु आ कहा बेबे तुसी जदों याद करोगे मैं हाजिर होवांगा। कुछ गल्लां नूं असीं मन्नण तों इनकारी हो जाने हां, क्योंकि सियाणे ज़्यादा हो जाने हां, कहने किवें हो सकदा जिन्हां दी शरदा भावना मन बच कर्म करके उच्चे हुंदे ने, ये उन्हां दीआं कथा कहानियां ने साडियां नहीं। आखो सतनाम श्री वाह। एक दिन भाई पिंदरपाल सिंह जी ननकाणा साहब दा साका सुना रहे सन कि किवें सिंघां नूं बन बन के साड़िया गया ननकाणा साहब जिस वेले आजाद कराना सी। हुण कोई ये आखे यार एवें बिना मतलब किवें कोई सड़ सकदा है, और सड़दा होया फिर कोई चीख ना मारे, कोई हाय ना करे, सड़दा होया फिर भी कोई बाणी पढ़े, ये किवें हो सकदा है।
ये हो सकता है जिन्हों का रोम रोम जपदा है सतनाम श्री वाहेगुरु। अगर गुरसिख इतों तक जा सकते ने सड़दे हुए भी बाणी पढ़ सकते ने ते की बेबे नानकी याद करे ते बाबा नानक नहीं आ सकता। आखो सतनाम श्री साढ़े अपने मन अशरदक होंगे ने ते दूसरियां दी शरदा असीं नाल ही तोड़ देने। अज बेबे नानकी सुल्तानपुर लोधी फुलके ते रोज ही पकांदे सन पर अज जिस वेले तवे ते फुलका पाया ते फुलका फुलिया गुरु नानक दी याद ते हमेशा चेत विच सी पर अज वैराग भी आ गया बड़ा चिर हो गया अपने वीर गुरु नानक नूं तकिया ते मन विच इक फुरना फुरिया किन्ना चंगा होवे जे मेरा वीर आके फुलका खावे। बेबे नानकी दा मन वैरागी होया अखां विच आंसू हन कद मेरा वीर आवे ते बेबे नानकी दे कन्नां विच एक आवाज पई सत करतार। बेबे नानकी ने सिर चुकया तकी तकिया तन गुरु नानक साहब तुरे आंदे हैं। बेबे नानकी उठी दौड़ के अगे हुई लगी मथा टेकन तन गुरु नानक साहब नूं पर तन गुरु नानक साहब ने बेबे नानकी दे हथ पकड़े ते कहा बेबे भैणा भरावां नूं मथे नहीं टेकदियां फिर तू ते मेरी वड्डी भैण है। ते बेबे नानकी दी अखां भरियां होईयां प्यार नाल कहा ऐ वीर भावे तू छोटा है पर तू सतगुर भी ते है सारा संसार तेरे चरणा ते मथा टेकदा है एक बारी मैनू भी मथा टेक लैण दे मेरा भी जी करदा है। ते धन गुरु नानक साहब ने कहा सी नहीं बेबे मैं तेरे पैरां ते मथा टेक सकदा तू नहीं तू वड्डी भैण है तन है सतगुरु नानक। सत्संग जीओ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज गुरु नानक दा ही रूप हन दसां पातशाहां की जोत। आओ जितने आपां बैठे हाँ ग्रिस्तियां कुछ ना कुछ चाहीदा है पहला सिफत करिए साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा है सब कुछ तेरे को ही पर जिस ते दयाल होना है उसे नु बख्शिश करना है। आओ सारे करो रसना पीतो साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे सचे साहिबा सचे साहिबा सचे साहिबा सचे साहिबा सचे साहिबा सचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे
साजे साहेबा साजे साहेबा सदा सिफत सलाह तेरी सदा सिफत सलाह तेरी नाम मान वसावे नाम मान वसावे सचे साहिबा सचे साहेबा सचे साहेबा सचे साहेबा क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे सचे साहेबा सचे साहेबा सचे साहेबा सचे साहेबा नाम जिन के मन वसेया नाम जिन के मन वसेया वाच शब्द कनेर वाच शब्द कनेर वाच शब्द कनेर कने सजे साहेबा सजे साहेबा सजे साहेबा सजे साहेबा क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे क्या नहीं सचे साहेबा सचे साहेबा सचे साहेबा सचे साहेबा कहे नानक सचे साहेब कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे सचे सचे साहेबा सचे साहेबा सचे साहेबा क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किच है करता तेरे सब किच है जिस दे सब पावे जिस दे पावे सचे साहेबा सचे साहेबा
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे क्या नहीं कर तेरे साचे साहेबा साचे साहेबा साचे साहेबा परम सत्कार गुस्सा समेत पांच मिनट का एक शब्द पढ़ के फिर दास इत्थे समाप्ति करनगे ते जिहड़ा शब्द दास हुण पढ़नगे माटी को पुत्रा कैसे नचत है ये रेड रिकॉर्ड कंपनी ने रिकॉर्ड कीती है और अज इत्थे ही ये कैसेट रिलीज की जाएगी इस करके आओ पांच मिनट इस शब्द पढ़ के फिर दास अपने समय की समाप्ति करेंगे माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा नचत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा जब कच पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है रोवन लगत है रोवन लगत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा नचत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है मन पंच क्रम रस कसहे लुभाना बिनस गया जाए कहूँ समाना कहूँ समाना कहूँ समाना माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा नचत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है देखे देख सोने बोले दरियो फिरत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है
कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी कर सो मोहे प्रीत बन आई बाजी कर सो मोहे प्रीत बन आई प्रीत बन आई प्रीत बन आई मार्ग को पुत्रा कैसे न चंद है मार्टिक पुत्रा कैसे न चंद है देखे देख सुने बोले दौरे फिरत है देखे देख सुने बोले दौरे फिरत है मार्टिक पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है माटी को पुत्रा कैसे नचत है। अपां सारे जुड़े हैं समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने प्यारे जो गुरु घर के कीर्तनी हैं उन्हों का मान रखिया भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी क्योंकि सत्संग जी उपराले करने बड़े औखे होंदे हैं पर गुरु कृपा द्वारा जिस वेले कोई उपराला करता है उस वेले औकड़ा भी बड़िया आदियां ने क्योंकि बने बनाए प्रोग्राम ते आके बहना कुछ होर होंदा पर प्रोग्राम उलीकने फिर वो प्रोग्रामा नू आप विच इनवाल्व हो के अपने सारे काम कार छड़ के सिरे चढ़ाना गुरु कृपा द्वारा ये कोई सौखे काम नहीं होंदे। सतगुरु रहमत करे भाई साहब जी ने होर चढ़दी कला बख्शे जो MH1 चैनल ने एक नवी पिरत पाई है फिल्मी गाने उन्हां दे मुकाबले ते बथेरे होंदे हन ओ मन दा परचावा है पर जो कीर्तन है ये रूह दी खुराक है और इहदे नाल एक नवी प्रेरणा नवी जागृति साडे बच्चियां च पैदा होवेगी और हो भी रही है होई भी है होर होवेगी कि असी फिल्मी गाने छड़ के असी कीर्तन दा अभ्यास करिए कीर्तन सीखिए ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ MH1 ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਕੜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਔਰ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਕੜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੰਤ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਕੈਸੇਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਇਹ ਕੈਸੇਟ ਦੇ ਪੀਸ ਹਨ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੈਸੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸ
साहिब जियो। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण नाम विचारो कोई, माटी का क्या थोपे स्वामी, मानस की गत एक। परम सम्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों, भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी वालों जो हर साल गुरमत समागम आयोजित किए जाते ने, इस बार ये 18वां गुरमत समागम जलंधर शहर विखे किया गया है। महापुरखों की याद अंदर और धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे गुरगद्दी पुरब नू समर्पित है ये समागम। आप जी ने अमृत गुरबाणी का कीर्तन भलो भलो रे कीर्तनिया दे सरलेख हेठ जो पिछले महीनिया तो चल रहा सी उस दे अंतले मुकाम ते जो फाइनल राउंड है वो आप संगत दे समक्ष इन्हां सारे वीरां भैणां ने आप जी दी असीस लई है। आओ कुछ मिनट ही आप जी दे लैणे ने। रंगीला साहिब जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विच्चों माटी को पूतरा कैसे नचत कह भगत रविदास जी दे उचारण किते हुए शब्द कीर्तन तो पहला धन गुरु अमरदास जी दी ओ पावन पवित्र पौड़ी जो आप रोजाना नितनेम करन वाले गुरसिख पढ़दे ओ साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे। सिर्फ इस दे संबंध विच कुछ मिनट ही आप जी दे लैने ने क्योंकि रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। ओ आप संगत नाल जो गुरमुख प्यारे साडे विचकार जिन्ना रिजल्ट तैयार किया है उन्होंने आप जी नू सरवण भी कराना है। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब होना ने गुरु अमरदास जी दी ए पावन पवित्र पौड़ी दा कीर्तन कीता। आप सारी संगत ने नाल सहयोग दिता है ते इस दे अर्थ उन्हां संखेप विच सानू पहले ही दस दिते कि धन गुरु अमरदास तीसरे गुरदेव उस सच्चे मालक दे सन्मुख हो के ये बेनती कर रहे ने कि मेरे सच्चे मालक साहिब दा अर्थ है मालक के ओ केड़ी वस्तु है कि जेड़ी तेरे घर दे अंदर नहीं। देखो इत्थे गिनती शब्द नहीं वरतिया। तेरे घर अंदर सैकड़े वस्तुआं ने, तेरे घर हजारां वस्तुआं ने, तेरे घर करोड़ां वस्तुआं ने, इत्थों तक संख्या दा कोई जिक्र ही नहीं। बस इक्को शब्द हजूर ने कह दिता सब किछ। इहदा मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं दुनिया दी जेड़ी मेरे परमात्मा दे घर विच नहीं।
सब की शब्द है, गिनती का कोई शब्द नहीं, कि साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरे, पर नाल एक बचन कह दिता है सब कुछ तेरे घर विच, पर मिलता उन्होंने में जिन्हों की झोली विच तुसी आप खैर पाते। साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरे, घर ता तेरा सब किछ है, जिस देखे सो पावे, जिसनू त्यों तू देवे। पर असी जो दुनियादार लोग हाँ, असाडी मंग कितनी कु है, याद रखो है सब कुछ, पर साडी मंग ता एक कीड़ी दे मूँह जिनी भी नहीं, एक समुंदर विचो ओक बुक भरन जिनी भी नहीं। उस परमात्मा दे घर अंदर बेअंत दाता ने सब किछ है, ते जो कोई भावना नल मंगदा उसनू दात मिलदी है। कुछ बेनतियां ने, कई बारी असी संसारी मंग करने हैं, पर आम तौर पर साडा चुगुरदा ये गल कहिंदा है कि गुरु कोलो केवल नाम मंगो। मैं एक बेनती स्पष्ट जी करनी चाहना, नाम मंगो, सिमरन मंगो, बंदगी मंगो। गुरमुखो ये मंग केवल जबानी मंग नहीं, जे मेरा मन ये कह रहा है कि मेरे अजे घर का गुजारा नहीं चलता, मैनू रोटी चाहिदी है, तो मैं उत्तों जबान तो लोगों नू दुखान लई कहां कि केवल नाम चाहिदा है। चेते रखो, मुख तो होर हो जाऊंगा, मन तो होर हो जाऊंगा, कच्चे बंदे नू ढोई नहीं। जो कुछ तू मन विच्चों मंगना चाहना वह कुछ मुख तो कह। आओ, गुरु जी ने बाणी च फुरमाया, कह लगे उस घर विच की कुछ है। सानू समझाने लई एक बचन कहा धन गुरु अर्जुन साहब जी का, कह लगे हे मालक, इस संसार विच हर बंदा जो पंजां तत्तां दे शरीर विच विचरदा है, उस दे अंदर दी एक इच्छा है कि मेरा समाज विच, मेरा संसार विच मान जरूर होवे। कोई बंदा नहीं चाहता मेरी बेइज्जती होवे, कोई इंसान नहीं चाहता मेरा निरादर होवे। कहन लगे मालक, मैनू इज्जत की लोड़ है, कोई चाहता मैनू ताकत की लोड़ है, मैं इकला रह गया वा। गुरु अर्जुन साहब कह लगे ओदे घर सब कुछ है, जिस दिन मैनू इज्जत की लोड़ पई मैं इज्जत भी तेरे चरणा चो मंगागा, ताकत की लोड़ पई ताकत भी तेरे चरणा चो मंगागा, धन की लोड़ पई मैं मूँह तो बोल के धन भी तेरे तो मंगागा, जे संतान की लोड़ पई पुत्र धियां दाता तेरे तो मंगागा, जे मेरे तन नू रोग लग जाए डॉक्टर जवाब दे जान ते मैं अरोगता भी तेरे घरों मंगागा, क्योंकि तेरे घर विच सब कुछ है। सतगुरु की बाणी विचों देखो ये अमृत बचना विचों कुछ बेनतियां ने। हजूर ने फुरमाया कि जन को प्रभ संगे असने, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब कुछ है। जन को प्रभ संगे असने, साजनो तू मीत मेरा, ग्रह तेरे सब के, ते फिर शब्द सब वरते करोड़ या हजार नहीं, ग्रह तेरे सब के, ते मंगिया की मान मांगू। एक पासे बाणी विच कह रहे ने साधो मन का मान त्यागो, पर याद रखियो मलीनता वाला मान बंदे नू खुआर करदा है, पर अंदर शुद्ध होवे ते लोक धक्के मारन ते भगत भी कहन लई मजबूर हो जांदा है, जे मैनू ठुड्डे वज गए तेरा नाम किसने लैना। कि वह मान नहीं, बाबा नामदेव जी दा सी बचन पढ़ने हैं कि हस्त खेलत तेरे द्योहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, ओ नानक शब्द क्या खिनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे को आया। जदों समाज ने मान ना दिता ते उस मान नू हासिल कर ली महापुरख ने कहा कि मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, आलावंती ए भ्रम जो है मुझ ऊपर सब कोपिला, सूद सूद कर मार उठायो कहाँ करूं बाप बीठला। उहदे विच इक बचन असी पढ़ने आ, ए पंडिया मोको ढेड कहत कह, इहदा मतलब उहनू मान चाहिए। बाणी दी बरीकी भी जाइए, एवें नहीं मान शब्द खंडन करन वाला नहीं, केवल कहन लगे पंडिया मोको ढेड कहत है तेरी पैज पछौंडी कोयला, ते जे मरन तो बाद लोग कहन कि नामदेव सच खंड वासी है, इन्हां नू किवें पता लगेगा जेड़े मैनू मंदिर विचों धक्के पै मार दे।
इहदा मतलब वक्त मान चाहीदा, वक्ती मान चाहीदा। हजूर ने फरमाया उन्हां दे अमृत बचन असीं पढ़ने हां कि मुवे खोए जो मुक्त देहोगे मुक्त ना जाने कोयला। जे इज्जत की लोड़ पई तेरे दर तो मंगांगा। आओ बाणी विचों दर्शन करो, जिन्हां नूं मान मिलिया वह अहंकार विच नहीं गए, जिन्ना मान मिलिया उन्ना वह शुक्र विच जुड़ गए। कि भगत रविदास जी नूं मान मिलिया वह शुक्र विच नहीं जुड़े। मान मिलदा इको दम उन्हें कहा ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथा छत्र धरै, जाकी छोत जगत को लागै ता पर तू ही ढरै, नीचे ऊच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। गुरु रामदास जी नूं मान मिलिया उन्होंने शुक्र विच बचन कहे कि तुमरे गुण क्या मेरे सतगुरा, जब गुर बोलै ता बिस्म खोए जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए, जो खमरी बिद खोती मेरे सतगुरा। आ मान नहीं तो होर की है, जो खमरी बिद खोती मेरे सतगुरा, साबिद तुम कर जानो आपे, खम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे खम थापे, मान सच्चा मिलिया कह लगे तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। सिर्फ ट्यूक मात्र घर ता तेरा सब किछ है, मान मांगू अगली तो कह तान तान दरते शक्ति बल ताकत। चेते रखो कि जिस दिन परिवार दे लोग स्पष्ट जिया बेनतियां ने, शहर दे लोग बिरादरी दे लोग अपने नज़दीक दे लोग भी मान ना देन, तेरा बल खत्म हो जाए, उस दिन अरदास करी उस विच इतनी कु ताकत कहे, जे बल देन ते आवे ते कीड़े कीड़ी नू पातशाही दे देंदा है ते बादशाह नू राह कर देंदा है। कि उस घर विच बल नहीं, असी दो बचन पढ़ने हैं, बल चुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाए, कहो नानक अब ओट कर गज ज्यों को हो सहाय। ते जिन्हों तान मिलिया उन्हें फिर शब्द कहे, बल खोवा बंधन छुटे, सब किच खो तू पाए, नानक सब किच तुमरे खात में, घर ता तेरा सब किच है, नानक सब किच तुमरे खात में, तुम्ही होत सहाय। मान मांगू तान मांगू, ते अगले बचन ने धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी धन लक्ष्मी, दौलत पदार्थ सुत पुत्र दे। गुरमुख विद्वान देह दा अर्थ देना नहीं करदे, देह जिहड़ा शब्द है ददे नू ला खा हा मुक्ता, इहदा अर्थ जे तन नू बीमारी लग जाए डॉक्टर कहिंदे ने इलाज नहीं, मैं अरोगता दी दात भी तेरे चरणा विचों मंगनी है। कि यह परमात्मा दे घर विच किसे चीज़ दी कमी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अंदर दा विश्वास जे बन जाए ते साहब जिहदे ते त्रुट पवे उहदी झोली विच दात पा देंदे ने। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी का एक बचन कह के संपूर्णता वल आउणा है। पिछे तुसी सारे ये समागम महापुरखां दी याद विच हुंदा है हर साल, पर इस साल पिछे लिख के लाया, हर सिख कह रहा कि 300 साल गुरु दे नाल। गुरमुखो गुरु अर्जुन देव जी का एक बचन है श्लोक संस्कृति विच कि उस दे घर विच की कुछ कह, कहिंदे ने जिहड़े लोग अपनी जिंदगी दे हर मुकाम विच पिछे रह गए ने वह परमात्मा गुरु की सेवा करन, पिछे रहन वालियां नू सेवा आगू बना देंदी है। जिहड़े लोग जिंदगी विच हर थां तो निराश हो गए ने वह गुरु की सेवा करन, निराशियां दी आस है गुरु की सेवा। जिहड़े लोग विचारे एक रोटी तो आतुर ने, तन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करदे ने वह सेवा करन, निर्धना नू तनवान बनांदी है गुरु की सेवा। जिस बंदे कोल कीर्तन दी दात, जिवें आप जी ने अज सरवण कीता है, बच्चियां ने कीर्तन कीता है, पर एक बेनती करां ये तो रिजल्ट निकलने है, पर इनू निराशता वाला पक्ष कदी ना लैके जाना। ये नहीं कि किसे बंदे नू डिग्री मिली इन्ने साल तो बाद ये कह मैनू परत के पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं,
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 70-72, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਪਰ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ, ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ, ਨਿਰਾਸਨ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਦਨ ਭਯੰਗ ਧਨਵੰਤੈ, ਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਣੈ, ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤਾਨੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਸਿਰਫ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। 300 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਖ ਜਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸਚਰਜ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕੈਸੀ ਅਸਚਰਜ ਬਾਤ, ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੰਭਾਲੀਏ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੀਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਪੇਠੋਂ ਦੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਨੇ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਮਾਂ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ, ਤੂੰ 2 ਸਾਲ, ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਦਾ ਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ,
ते अगला काम की करेगा अंगीकार ओ करे तेरा। ओ प्यारिया कोई इंसान तुरद है असी देखने सियासी बंदे चलते ने पांच दस बंदे नाल उन्होंने तुरनगे। एक गल बड़ी स्पष्ट है जिन्हें सियासत में चलना है वो खंडा बहुत जरूरी है तो जिन्हें परमार्थ में चलना है वो अंदर का टिका बहुत जरूरी है। जिन्हें सियासत को कमाना है वो मित्रां की गिनती बहुत चाहिए तो जिन्हें परमार्थ को कमाना है वो केवल एक मित्र परमात्मा ही चाहिदा है। हजूर कृपालू ने मेहर की कह लगे एक आदमी तुरदा है वो बॉडी गार्ड वो पिछे तुरदे ने तू रब नाल रहो परमात्मा तेरा बॉडी गार्ड तेरा अंगीकार तेरा अंग रखक बन के तेरे नाल चलेगा। तीसरी गल कि तू चाहना है कि मेरे कार्ज रास हुण सिर्फ शब्द है सब ए मन मेरे आ तू सदा रहो कर नाले कर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज। फिर शब्द आ गया सब बैठे मन च आया कमाल दी गल सब जे सब किच है कार्ज सब सवारना। अगली गल फिर कह लगे सब ना गल्ला समर्थ सब शब्द देखो कैसे कमाल दा के कार्ज सब सवारना पहला क्या दुख सब विसारना कार्ज सब सवारना ते जदो बंदा कहिंदा मेरे काम रब ही कल्ला कर लेगा ते गुरु अमरदास ने कहा सब ना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो खर नाले। ओ खरी नाल रहना सिमरन करके देखो असी अपने नाल रहने हैं ना अंग संग दे अर्थ की ने बहुत कमाल दे अर्थ ने असी कहने कि गुरु अंग संग होवे गुरमुखो पहला शब्द अंग वरत्या संग बाद विच यह नहीं कितने कहा गया संघ अंग होवे क्योंकि जेड़ा संग है वह कई वरी अंग टुट जाता है पर जेड़ा अंग है वह संघ ही रहेगा। अंग संघ दे अर्थ की ने मैं घरों तुरिया वा कि मैं ये कह के आया कि अखा मेरिया अंग ने पर मैनू अज अखा विच नींद है मैं अखा नू कीर्तन दरबार विच नहीं लैके जाना जिन्ना मर्जी थकिया होवे चेते रखी जेड़े अंग ने वह संघ ही रहिंदे ने अखा नाल आउणगियां कन्न साढ़े कोल ने साढ़े अंग ने पर कदी किसी ने कन्न की पीड़ा वेख के इस अंग नू घर छड़े हथा पैर गोडे जे ना चलन किसे ने कह मैं गोडे लैके नहीं जाना मेरे अंग ने मैं घर छड़ जाना जेड़ा अंग हुंदा है वो संग जरूर रहिंदा है। बस मनुखा तू गुरु नू अपना अंग बना लै जिदन अंग बना लै गुरु तेरे संग रहेगा। यही कारण कि जिन्हां ने गुरु नू अंग बनाया आया सी लैना ते बन गया अंगद। अंगद दा अर्थ है जिहड़ा शरीर दा अंग। आओ सतगुरु मेहर करे सानू समत बख्शे। मेरी इको आप जी दे चरणा च बेनती है कि जिन्हां महापुरखां नू हर साल याद कीता जांदा है सारे कीर्तनीए रागी सिंह कथावाचक असी सारे गल करने आ उन्हां नाम जपिया गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार कीता। सिर्फ इको बेनती है जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार उन्हां कीता वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बदलिया वो अज भी साढ़े कोल है जे एक यतन कर जे उन्हां नू याद करना तो घट्टो घट उन्हां दी तरह फिर गुरु गुरु जपना भी शुरू कर दे सत्कार कर। भगत रविदास जी का शब्द पढ़िया तो भगत साहब ने मंगिया भी ये कहन लगे संत ची संगत संत कथा रस संत प्रेम माझै दीजै देवा देव संत आचरण संत च मार्ग संत च औलग औलग नहीं। मैं संतां दी याद विच्चों ये मंगण आया जेड़े रस दी गल लोक उन्हां दी करदे ने तू मेहर कर किते मैनू नाम दा रस मिल जाए मैनू वो मार्ग मिल जाए। गुरमुखो नाम सिमरन नू जिंदगी दा आधार बनाइए। इतनियां कु बेनतियां प्रवान करनियां क्योंकि आप जी काफ़ी देर दे बैठे हो ये गुरमत समागम जिन्हां विच भलो भलो ले कीर्तनियां कीर्तन रतन दा शब्द गुरमुखां कहा असल विच कीर्तन तां खुद अपने आप विच ही रतन है ते ऐसा रतन है जिस दी कोई कीमत नहीं। रंगीला साहब ने कहा इस चैनल तो पंजाब दियां सुरीलियां आवाज़ां दे गले भी परखे गए पंजाब दी आवाज़ कहा गया पर चेते रखियो भावें कोई पिछे रह गया भावें कोई अगे आ गया जिदे गले विच्चों शब्द निकले है
पंजाब दी आवाज केवल कुछ दिलियां तक सीमित कह ते गुरु दी आवाज परमात्मा दे घर तक जाएगी। ये तुहाडे गले विच्चों निकलिया होया शब्द ये गुरु दी आवाज है ते गुरु दी आवाज उत्थे पहुंचदी है प्यारियो कि जिथे दुनिया दियां आवाजा मुक जांदियां ने खोईयां बेअंत भुल्लां बख्श देनियां जी। समूह MH1 टीम दा धन्नवाद, क्योंकि भावें मैनू ये शब्द कहने बनते सन जां नहीं, क्योंकि जिथे इन्हां ने भलो परोले कीर्तनियां उत्थे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए ने आप संगत दी सेवा कथा राही गुरमत समागमां राही इस चैनल ने बहुत कीती है। इस चैनल दे जिन्हां नूं दाते ने दात दित्ती श्री महिंदर बाठला जी वह भी आप संगत दी हाजरी भर के गए ने, वाहगुरु कृपा करे उन्हां नूं चढ़दी कला और तौफीक बख्शे। इस समुची टीम नूं उसारू सोच उसारू समाज दी सिरजना दी लियाकत बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।